शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनिजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। और दोस्तों, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर, जिला दतिया का पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगा हुआ है, और मेरे साथ में सर यहाँ पर मौजूद हैं, शशांक शुक्ला सर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं पुलिस प्रशासन द्वारा माता के मंदिर में? आगामी क्षेत्र जो नवरात्रि कल से चालू हुई हैं उनको देख के शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है, पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है। सभी मुख्य जो पॉइंट हैं जहाँ श्रद्धालु अधिक से अधिक आते हैं वहाँ पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रखी गई है। और एक यहाँ का जो एक सुचारू रूप से सिस्टम बनाया गया है कि वाहन वगैरह कहाँ पार्क करने, उचित तरीके से मतलब पूरा वेल मैनेज किया गया है। और पुलिस का जो काम है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का जो काम है, तो माता के उसको देखते हुए भीड़ नियंत्रित बनी रहे। अभी सोमवार अष्टमी नवमी को भीड़ का थोड़ा जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, पर्याप्त प्रत्येक पॉइंट पे फोर्स की व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है। और माई की कृपा को देखते हुए सब सुचारू रूप से सब बढ़िया अच्छा चल रहा है। जय माता दी। सर, सर एक आपके लिए है, शिवराज सिंह यादव जी की ओर से, जिला पंचायत सदस्य ग्वालियर की ओर से, ये एक माता की तस्वीर एक आपके लिए, और एक आपके लिए है एलिस व्हीकल, जितेंद्र पटेल जी की ओर से एक आपके लिए ये उपहार, क्योंकि जिनका भी हम इंटरव्यू लेते हैं उनको कुछ ना कुछ उपहार भी देते हैं। और ये अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से एक आपके लिए ये माता की चुनरी, ग्वालियर का नंबर वन मॉल है अनेजा मॉल। अगर आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो वैवाहिक फंक्शन के सारे ड्रेसेस वहाँ पे, महिलाओं के वहाँ पे मिलते हैं। अनेजा मॉल से एक आपके लिए धन्यवाद। और सर, एक और है आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से एक आपके लिए ये उपहार। और जय माता दी सर। जय माता दी। और पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर बहुत शानदार व्यवस्था रखी गई है सभी श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है, अगर कोई खो भी जाता है तो तुरंत मिल भी जाता है। तो चलिए, अब आपको दर्शन कराता हूँ माँ रतनगढ़ वाली मैया के। एक उपहार और है आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा वहाँ पर। ये ICICI बैंक और गांधी मार्केट के ठीक बीच में है अनेजा मॉल ग्वालियर। और मेरे साथ में एक और फैमिली यहाँ पर मौजूद है, हमारे सभी बुजुर्ग आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता के। कहाँ से आए हो आप? आए हो हमारा गांव है साहब, बिढ़ोरा। बिढ़ोरा जी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है भगवान, ये थरेट के पास में है। थरेट के पास जी। आप थरेट से आए हुए? हमारा गांव है छोटा आलमपुर, थरेट से पूरब की ओर 3 किलोमीटर आगे। तो आप सब लोग मित्र हैं? हम सभी लोग भाई बंधु हैं, गुर्जर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आप सभी लोग गुर्जर समाज से हैं? हाँ, गुर्जर समाज से है साहब। तो पूरी ट्रॉली भर के आए हो? पूरी ट्रॉली भर के आए हैं, क्योंकि सभी लोग फैमिली के सभी फैमिली मेंबर आते हैं। सभी है, अभी दर्शन कर रही हैं फैमिली वगैरह सब। सभी मैया के दर्शन कर रही हैं। तो इस अभी नवरात्रि का मौका चल रहा है, तो नवरात्रि के मौके पे कोई भजन हो जाए? हाँ, माता रानी पंडित जी का होगा। सुनाइए पंडित जी। सुनाइए पंडित जी। रतनगढ़ वाली मैया की महिमा फैली चारों ओर है, साथ दीजिए तैयारी करके पंडान इस दिन संजा हो रहे। रतनगढ़ वाली मैया की महिमा फैली चारों ओर है, होते आरती करते पंडा निज दिन संजा हो रहे। नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां जाओ जो दर्शन मन है, झंडा लगे दिखात दूर से घंटन की घनघोर है। नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां जाओ जो दर्शन मन है, झंडा लगे दिखात दूर से घंटन की घनघोर है। ब्राजी माँ मंदिर के अंदर माड़े ली धोबी ज्वाला, सिंह सवारी अष्टभुजा हैं गले में फूलन की माला। मनोकामना पूर्ण करती गांव शहर में शोर है, होते आरती करते पंडा निज दिन संजा हो रे। रतनगढ़ वाली मैया की महिमा फैली चारों ओर। रतनगढ़ वाली मैया की जय। तो चलिए, अब माता के दर्शन कराता हूँ, पर आप सभी के लिए है पंडित जी, एक आपके लिए है अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। अगर आप जाते हैं ग्वालियर और शॉपिंग करने जाते हैं
जाते हैं ना शॉपिंग करने जाते हैं गांधी के लिए, तो एक बार आप जाइएगा अनेजा मॉल में, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये गांधी मार्केट ICICI बैंक के ठीक बगल में है। धन्यवाद धन्यवाद। और सर एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, और सर एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। आप भी जाएं, आपके घर में शादी या वैवाहिक फंक्शन है तो चढ़ाएगा जो सामान लेने जाते हैं ना बेटियों के लिए, तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% का सीधा सीधा डिस्काउंट अनेजा मॉल। और बहुत ही शानदार, मतलब एक बार आप जाएंगे ना, 4 मंजिला का शोरूम है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि मेरे को तो यहीं से खरीद कर ले जाना है। अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से एक आपके लिए, पता लिखा होगा। हाँ, पूरा पता लिखा है अनेजा मॉल। हाँ, फोन नंबर सहित लिखा हुआ है इसमें एड्रेस। तो अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से एक आपके लिए। बोलो बोलो रतनगढ़ वाली मैया की जय। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ से माता के मंदिर की जीनों द्वारा यहाँ से चढ़ाई चालू होती है, और लगभग 365 या 370 के करीब ये जीने हैं, और यहाँ से सीधे चलते हुए आपको लेकर चलते हैं माता रानी के धाम पर। शुरुआत करते हैं और यहाँ से सीधे 365 जीनों से चढ़ते हुए और लेकर चलते हैं माता के धाम पर, और माता के दर्शन, मैया रानी के दर्शन आप सभी ग्वालियर वासियों को कराएंगे। और सीधे यहाँ से माता के धाम पर लेकर चल रहे हैं 365 सीढ़ियाँ। और मेरे साथ में एक और फैमिली यहाँ पर मौजूद है, और आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं? जी, दर्शन करके आ रहे हैं हम लोग। दर्शन करके आ रहे हैं सभी लोग, कहाँ से आए हुए हम लोग? दतिया से आए हैं सभी लोग। दतिया? दतिया। दतिया में किस जगह से? दतिया से मम्मा जू के बाग से, पीताम्बरापुरी रोड, पीताम्बरापुरी गली नंबर 1 कचहरी के पीछे। कचहरी के पीछे। क्या नाम है सर आपका? डीके शर्मा। डीके शर्मा जी। नितिन शर्मा। और आप? सतपाल गुर्जर। सोलंकी सर। सोलंकी जी। तो माता के दर्शन कैसे किए? जी, माता के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं, बहुत आनंद आया, मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बिल्कुल, यहाँ जो भी भक्त आता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खाली दिन में पीताम्बरा भी आऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल मिलेंगे। अभी चंबल संभाग के सभी देवी मंदिरों के दर्शन घर बैठ के करा रहे हैं यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से। जी जी। तो कोई माता का भजन हो जाए या जयकारा हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा जयकारा। आप बोल माता रानी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। एक आपके लिए है शिवराज सिंह यादव जी की ओर से, और जिला पंचायत सदस्य उनकी ओर से ये माता की तस्वीर एक आपके लिए। और सर एक आपके लिए है ये बेताल सिंह अलवेल सिंह गुरैया जी की ओर से एक आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। ये और सर एक आपके लिए, शादी हो गई आपकी? जी सर। जी सर। तो आप शॉपिंग कराने जाए ना अगर ग्वालियर जाना हुआ हो आपका, तो इंस्टाग्राम वाले सभी लहंगे और साड़ियां वहां पर मिले, यानी कि जो आप देखते हैं ना टिकटॉक और ये रील पे, वो सारे लहंगे यहां पर अवेलेबल हैं। अनेजा मॉल ग्वालियर गांधी मार्केट के ठीक पास में है, वहां पर आपके लिए। और एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। और अगर मेला महोत्सव का नाम लेकर जाएंगे ना आप, या मेरा विवेक शर्मा जी जी ग्वालियर प्रोग्राम देखकर आए हैं, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा कार्यक्रम का नाम लेने पर। बोलो रतनगढ़ वाले भैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। और माता के धाम पर हम पहुंच चुके हैं, और बस ये आप देख रहे हैं ये विशाल जो घंटा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये माता का दरवाज़ा है, और बस कुछ ही पलों में आपको माता के दर्शन कराते हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलता हूं अंदर, और माता के दर्शन आप करेंगे, और आप दर्शन कर रहे हैं माता रतनगढ़ वाली मैया के दर्शन टीवी स्क्रीन पर। और ये आप दर्शन कर रहे हैं माता रतनगढ़ वाली मैया के दर्शन। और आप दर्शन कर रहे हैं माँ रतनगढ़ वाली मैया के, और जो भी आपकी मनोकामना है मांग लीजिए, और माता सबकी मनोकामना सुनती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं माँ रतनगढ़ वाली मैया। बोलो रतनगढ़ वाली मैया की।
भैया दर्शन हो गए माता के? दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग ग्वालियर से आए हैं, मुरार से। ग्वालियर में मुरार से आए हैं? मुरार से आए हैं। तो माता रानी सबकी पर कृपा करती है, और माता रानी का एक इतिहास बहुत पुराना है। शिवाजी महाराज के जो गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज, उन्होंने ये स्थापना की थी यहाँ। जब शिवाजी महाराज कैद थे खिलजी के यहाँ आगरा में, उस समय पूरी योजना उनको छुड़ाने की यहीं और इसी स्थान पर बनाई गई थी। इसी स्थान पर? हाँ, ये 1600 के समय की बात है, और आज तक यहाँ इतनी मान्यता है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दिवाली की दौज के दिन तो यहाँ कितने श्रद्धालु होते हैं, लाखों, मतलब गिनना मुश्किल है। गिनना मुश्किल है, क्योंकि हाँ। वहाँ पुल से, वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। लाखों लोग यहाँ से, लाखों लोग आप देख सकते हैं, ये जो नदी पे जो पुल बना हुआ है, यहाँ से और दूर दूर तक आपको लोगों का तांता लगा हुआ दिखेगा। माता के भक्त लाखों की श्रृंखला में यहाँ पर आते हैं। बोलो रतनगढ़ मैया की जय। एक भैया आपके लिए है, अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, एक आपके लिए। ग्वालियर का बहुत ही शानदार मॉल है, और महिलाओं के लिए वहाँ पे बहुत अच्छे परिधान मिलते हैं, वैवाहिक परिधान। और एक आपके लिए है, जिला पंचायत सदस्य शिवराज यादव जी की ओर से, एक आपके लिए जी। ये माता की तस्वीर। बोलो रतनगढ़ वाली मैया की जय। और जय माता दी दोस्तों। और दोस्तों हमारे साथ में पंडित जी राजेश कटारी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रतनगढ़ माता मंदिर के सेवक भी हैं पंडित जी। और माता की सेवा में, यानी कि पूरी जिंदगी माता की सेवा में लगा दी है पंडित जी ने। तो पंडित जी, रतनगढ़ मैया की जो कथा है, जो कहानी है, वो हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि सिटी का आदमी थोड़ा सा दूर होता जा रहा है और मोबाइल और अन्य चीज़ों में। तो माता की जो कथा है, जो कहानी है, वो आपके मुख से हम जानना चाहेंगे। और रतन मैया की जय। ये पहले किला हुआ करता था राजा रतन सिंह का। जो माई हैं यहाँ पे, उनका नाम है मांडुला देवी। ये राजा रतन सिंह की पुत्री हैं, और इनकी प्रतिष्ठा छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास जी, उन्हें माई की प्रतिष्ठा कराई थी। और माई का अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध भी हुआ था उस समय, तो माई ने यहाँ पे जीवित समाधि ली है। और अभी भी नवदुर्गा में माई का मेला लगता है। दीपावली को माई का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें करीब करीब 25-30 लाख श्रद्धालु माई के दर्शन लाभ लेते हैं। सर्फ दस वाले, बिच्छू वाले, जहरीले जो भी जीव जंतु भक्त को कहीं भी हों वहाँ काट लेते हैं। वहाँ पे माई के नाम की विभूति लगा देते हैं, उस व्यक्ति को दीपावली के दोष पे यहाँ पे ला करके माई के दर्शन कराते हैं, और कुंवर बाबा चबूतरा जाकर वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। वैसे ही बहुत से भक्त हैं जो परेशान हैं, किसी भी प्रकार असाध से असाध रोग है, वह माई की विभूति से ठीक हो जाता है। माई की सेवा करते हुए हमको 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी से लगातार माई के चरणों में माई की सेवा कर रहे हैं। जय माई की जय। माई मैया की जय। है अनेजा मॉल ग्वालियर, ICICI बैंक के ठीक सामने है अनेजा मॉल ग्वालियर। रजत अनेजा जी की ओर से एक आपके लिए, और एक आपके लिए जितेंद्र पटेल साहब, एलिस व्हीकल, ये सिटी सेंटर पर स्थित है इनका गाड़ी का शोरूम, उनकी ओर से एक आपके लिए। और एक आपके लिए है शिवराज सिंह यादव जी की ओर से, जिला पंचायत सदस्य ग्वालियर, उनकी ओर से एक आपके लिए। तो धन्यवाद आप सभी को, भगवती की कृपा रहे। बोलो मैया रानी की जय।